साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, LDC जो रेलवे एग्जाम का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है रेलवे का, उसका यह 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी जोन में ऑलरेडी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो भी लोग अगर LDC टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर डिपार्टमेंटल रेलवे का JEE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए 100 क्वेश्चंस का यह संग्रह देखें। यह डिपार्टमेंटल टेक्नीशियन के लिए यह ज़्यादा उपयोगी है और JEE के लिए। तो यह एक लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है जो इसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ करके जाएंगे तो आपको आना ही आना है। तो इसलिए यह ओपन लाइन का यह नहीं है कि आपको GK GS पूरा रटते जाइए, कुछ भी पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इसमें डिपार्टमेंटल LDC टेक्नीशियन में या फिर जो डिपार्टमेंटल JEE का एग्ज़ाम है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर आप कर लेते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और क्वेश्चंस बाहर से कैसे आ सकता है, जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, बस वहीं से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में कुल कितने मुख्यालय हैं? तो इसमें अभी 18 जोन हो गया है और जो सबसे लेटेस्ट जोन है वो विशाखापत्तनम है, दक्षिण तटीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इच जोन इज हेडेड बाई, प्रत्येक जोन का हेड कौन होता है? तो GM यानी जनरल मैनेजर। तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ डिवीजन इन SR, साउथर्न रेलवे में कुल कितने डिवीज़न है? तो 6 डिवीज़न है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ICF इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर है पेरम्बूर। साथियों, डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा आपको सुविधा होगी, क्योंकि हिंदी में इतना ज़्यादा हिंदी में क्रिटिकल वर्ड आ जाता है कि आपको इंग्लिश यूज ही करना पड़ेगा और आपको आसान होगा इंग्लिश में ही क्वेश्चन का संग्रह को प्रैक्टिस करके जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन IR यानी इंडियन रेलवे, IR मीन्स इंडियन रेलवे, तो कितने हैं प्रोडक्शन यूनिट? तो इसका ऑप्शन नंबर 7 C है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंट्रल वर्कशॉप इज लोकेटेड इन, सेंट्रल वर्कशॉप कहाँ है? तो यह गोल्डन रॉक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोको मेंटेनेंस शेड इज लोकेटेड इन, तो टंडियारपेट, ये टंडियारपेट में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, RDSO मींस, यानी RDSO मींस यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो RDSO का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर इसमें ए दिख रहा होगा आपको, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो भूलना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज 1676 mm होता है। साथियों, रेलवे का हर एक चीज़ को mm में ही मापा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, जॉब में हैं और जॉब कर रहे हैं और आप डिपार्टमेंटल परीक्षा को देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ NWR इज, तो इसका आंसर है जयपुर, यानी ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे, तो जयपुर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, WGSCZACEN stands for, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनल कंडीशनड सेकेंड क्लास चेयर कार विथ इंड ऑन जनरेशन। तो इसको आप देखिए, इसको एक बार और मैं पढ़ दे रही हूँ, एयर कंडीशनड सेकेंड क्लास चेयर कार विथ एंड ऑन जनरेशन। और इस टाइप का आपको याद कर लेना है, जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 11 नंबर में, इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, FP मींस, तो फीड पाइप, FP मींस फीड पाइप। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13 है, ए आर मीन्स तो एक्जुलरी रिजर्वर, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्जुलरी रिजर्वर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बी सी मीन्स ब्रेक सिलेंडर, बी सी मीन्स ब्रेक सिलेंडर। साथियों अगर आप देखना चाहते हैं डिपार्टमेंटल रेलवे का जितने भी जो क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक का मैंने प्रैक्टिस सेट डाला है, तो वह मेरा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और उसमें रेलवे डिपार्टमेंटल स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सी आर मीन्स तो कंट्रोलर कंट्रोल रिजर्वर, सी आर मीन्स कंट्रोल रिजर्वर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज ब्लैक, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको ध्यान से पढ़िए, दो बार तीन बार देख लेना है एक ही वीडियो को। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग स्टॉक इज ग्रीन, इसका आंसर, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर सी आर इन गुड्स स्टॉक, तो इसका 6 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी है 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज पेंटेड विथ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, फीड पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज पेंटेड विथ वाइट, इस ये वाइट कलर से पेंट किया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ द थ्री ब्रांच पाइप अटैच्ड टू कॉमन पाइप ब्रैकेट मिडल पाइप लीड्स टू एआर, इसका आंसर है एआर, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नंबर ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक प्रोवाइडेड इन ए कोच कोचिन ट्विन पाइप सिस्टम इज 4, इसमें 4 ट्विन पाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इज हॉरिजॉन्टल, डीवी क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम एआर टू बीसी, इसका आंसर है एआर टू बीसी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बीसी गोज टू एटमोसफियर, इसका आंसर हो जाएगा एटमोसफियर। और क्वेश्चन नंबर 26 है, मैक्सिमम बीसी प्रेशर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इज 3.8 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर अब 27 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर वैगन इज 100 लीटर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 लीटर। साथियों अगर आप चाहते हैं ये सारा क्वेश्चन का संग्रह करें, तो आप नोट कर सकते हैं और नोट करके एक दो बार प्रैक्टिस करिए, ये आपका ज़रूर होगा, बशर्ते कि आप मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, द कैपेसिटी ऑफ एयर ऑफ गुड्स ब्रेक वन इज 75 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा 75 लीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कैपेसिटी ऑफ एयर ऑफ कोच आर, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है, आइदर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, यानी 100 लीटर टू नंबर्स और 200 लीटर वन नंबर्स। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑफ द थ्री ब्रांच पाइप्स अटैच्ड टू कॉमन पाइप ब्रेक पाइप फ्रॉम डीवी टू बीसी इज कनेक्टेड एट द बॉटम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द बॉटम। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीपी मींस तो ब्रेक पाइप, बीपी मींस ब्रेक पाइप। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रिप शेड्यूल इज गिवन फॉर ए कोच, तो इसका आंसर है इन एवरी ट्रिप, ऑप्शन नंबर ए, इन एवरी ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 33 है, शेड्यूल ए इज गिवन 1 मंथ
प्लस माइनस 3 डेज, यानी प्लस माइनस 3 डेज इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शेड्यूल बी इज गिवेन 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, 3 मंथ प्लस माइनस 7 मंथ 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर कंडक्टिंग ट्रिप शेड्यूल डन ऑन परफॉर्मेंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डन ऑन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर कंडक्टिंग ए शेड्यूल डन ऑन फॉर्मेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डन ऑन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर कंडक्टिंग बी शेड्यूल डन ऑन फॉर्मेशन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डन ऑन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर कंडक्टिंग IOH, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो साथियों 38 का आंसर है कोचेज टू बी डिटैच्ड। 38 का फॉर कंडक्टिंग IOH मींस इसका आंसर हो जाएगा कोच टू बी डिटैच्ड। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्यूरिंग ए शेड्यूल, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है डर्ट कलेक्टर टू बी क्लीन्ड मेंटेन डैश पॉट ऑयल लेवल, और इसका बी में है चेकिंग ऑफ वाटर पाइप, तो इस प्रकार इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ड्यूरिंग बी शेड्यूल, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ए में है इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेक गियर कंपोनेंट्स लिफ्टिंग ऑफ कोच, और बी में है चेकिंग फॉर कोरिजन, तो इसका बोथ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रूलर्स यूज्ड इन आरबी ऑफ ICF कोचेज इज, तो इसका स्फेरिकल होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टेम्परेचर ऑफ एक्सेल बॉक्स इज मेजर्ड ऑन एन इनकमिंग ट्रेन यूजिंग, तो इसका थर्मो हंटर हो जाएगा, थर्मो हंटर से मापा जाता है। तो और क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, इंड लॉकिंग बोल्ट ऑफ रोलर बियरिंग टू बी टाइटेड यूजिंग, तो टर्क वेंट हो जाएगा, टर्क वेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिएगा, 44 है, व्हील इज अ पार्ट ऑफ रनिंग गियर, इसका आंसर ए हो जाएगा, रनिंग गियर। तो साथियों जो 43 था उसका टॉर्क रेंज था जो ऑप्शन नंबर सी में है वो आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, टाइप्स ऑफ व्हील अवेलेबल आर सॉलिड व्हील, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड व्हील। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट व्हील क्रैक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हील क्रैक। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, एक्सेल बॉक्स इज माउंटेड ऑन द डैश ऑफ द एक्सेल द जर्नल, इसका आंसर हो जाएगा जर्नल। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हील इज माउंटेड ऑन एक्सेल यूजिंग, तो व्हील ब्रेस हो जाएगा इसका आंसर, व्हील ब्रेस। 49 देखिए, द टॉयलेट प्रोवाइडेड इन LHB कोच, तो ये CD टॉयलेट होता है, जो LHB कोच होता है वो CD टॉयलेट उसमें लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखिए, व्हील डिफेक्ट कॉज यूज ड्यू टू ब्रेक वाइंडिंग, तो स्किड व्हील, इसका आंसर हो जाएगा स्किड व्हील। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, शेड्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कीप कोचेज इन बेस्ट कंडीशन, शेड्यूल क्यों किया जाता है, क्योंकि कोच को अच्छे कंडीशन में लाना है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, WWP मीन्स द वन व्हील प्रोफाइल होता है, WWP मीन्स वन व्हील प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लीजिए साथियों, इसका PDF अगर आप लेना चाहें तो इसका PDF मैं इसका लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, लिंक पे जा करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इन सारी क्वेश्चंस का। तो 53 को देख लीजिए, टाइप्स ऑफ कसनब बोगी अवेलेबल इन इंडियन रेलवे, तो टोटल 7 होते हैं कसनब बोगी। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लीजिए, कैसनब बोगी इज फिटेड विथ डैश नंबर ऑफ साइड फ्रेम, तो टू नंबर ऑफ साइड फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 55 है, BRH वैगन्स आर प्रोवाइडेड विथ डैश ब्रेक सिस्टम, तो वैकूम ब्रेक सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर।
अब 56 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है, बी आर एन वैगन्स आर फिटेड विथ डैश टाइप्स ऑफ बोगीज, तो कैसनव बोगी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज 906 mm, इसका कितना हो जाएगा? 906 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द इलास्टोमेरिक पैड इज प्रोवाइडेड बिटवीन डैश एंड डैश, तो एडॉप्टर एंड बोगी फ्रेम के बीच ये प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट बीम फिटेड इन 22 WM बोगी इज हैंगर, इसका आंसर हो जाएगा हैंगर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, सीसी रबर, क्वेश्चन नंबर 60 है, नंबर ऑफ गेजेज फॉर चेकिंग AAR CBCR, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। 61 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, सीसी रबर पैड्स आर प्रोवाइडेड ऑन साइड बियरर, इसका आंसर हो जाएगा साइड बियरर। क्वेश्चन नंबर 62 है, फोर व्हीलर टैंक वैगन आर प्रोवाइडेड विथ लेमिनेटेड बियरिंग स्प्रिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, लोड सेंसिंग डिवाइस LSW इज प्रोवाइडेड इन BLC, इसको BLC में प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, वन यूनिट ऑफ BLC वैगन कंटेन फाइब्स, ये कितना कंटेंस रखता है? फाइब्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन 22 NL B बोगी डैश टाइप ऑफ साइड बियरर्स इन यूज इज यूज्ड, तो रबर बॉन्डेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबर बॉन्डेड। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट टायर फॉर वैगन इज 60 mm, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 60 mm। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, अप्रोक्स 67, वन मिनट, क्वेश्चन नंबर, साथियों क्वेश्चन नंबर 79 है, अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, तो इसका 2.5 है, राइडिंग इंडेक्स कितना है? 2.4। साथियों जिसका राइडिंग इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो वो कंफर्टेबल कम होगा, और जिसका राइडिंग इंडेक्स कम होगा वो कंफर्टेबल ज़्यादा होगा, तो आपको हमेशा समझना है। मान लीजिए किसी का 3.5 है तो सोच लीजिए वो अच्छा कोच नहीं है, मतलब बेहतरीन नहीं है, और जिसका लेस है यानी 2.5 है तो LHB कोच का भी 2.5 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में चलिए, मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोच इज डन, तो एवरी ट्रिप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरी ट्रिप, LHB कोच का एवरी ट्रिप में उसका मेंटेनेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, टोटल लाइफ ऑफ LHB कोच, तो इसमें नन है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ इसमें नन है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, तो इसमें भी नन है, जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें नहीं है, तो इसका भी नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, साथियों ये सारा क्वेश्चन बैक, साथियों क्वेश्चन नंबर 83 है, ये सारा क्वेश्चन बैंक है, तो आपको कहीं ना कहीं यह डिपार्टमेंटल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 83 देखिए, थ्रो फ्लोर ऑफ LHB कोचेस इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो इसमें हो जाएगा स्टेनिक स्टील होता है, SS304, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, फायर एक्साइटिंग गीजर यूजर इन AC LHB कोच इज DCP टाइप, इसका आंसर हो जाएगा DCP टाइप। तो जो एक्सटिंग्यूशर है, फायर एक्सटिंग्यूशर इन AC LHB कोच इज DCP टाइप होता है, क्या होता है? DCP टाइप। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, टर्क बाल्ब ऑफ ब्रेक क्लीपर माउंटिंग बोल्ट इज 170 nm, इसका आंसर हो जाएगा 170 nm। तो इसका आंसर है 170
एनएम। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हेन द ब्रेक इंडिकेटर सो रेड द ब्रेक विल बी अप्लाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑलरेडी उसमें अप्लाइड किया जा चुका है जब रेड शो करे तो। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रेक एक्सलेटर इज कनेक्टेड टू बीपी पाइप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बीपी पाइप। तो बीपी पाइप ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, द 99 कोड शो इन द माइक्रो प्रोसेसर मीन्स होल एप्लीकेशन वर्किंग परफेक्टली। इसका आंसर क्या हो गया, होल एप्लीकेशन वर्किंग परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर 90 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 90 है, इन माइक्रो प्रोसेसर शोज डन 99 मीन्स नो फॉल्ट, यानी कोई फॉल्ट नहीं है अगर 99 को कोड शो कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 91 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 91 है, पीज्ड PEASD प्रोवाइड इन LHB कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट व्हेन वेयर चेन पुल्ड। जब चेन पुल्ड होता है तभी इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंडेमनिंग लेंथ ऑफ ब्रेक पैड्स इज 7 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इज 1 mm। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 mm। क्वेश्चन नंबर 94 है, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन रोटेड एडजस्टिंग ट्यूब टू स्लैक। तो इसका आंसर हम बाद में बताएंगे साथियों, कमेंट सेक्शन में मैं इसको डाल दूंगी 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 है, ब्रेक डिस्क इज मेड अप ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा इसका आंसर, ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज टू एडजस्ट द डिस्क ब्रेक ऑन LHB कोच। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी देखिए ए में है रियर एंड टीयर ऑन व्हील आर मिनिमाइज्ड, बी है ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज्ड, सी है इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड सिस्टम। तो इस प्रकार इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB। तो लिंक हॉफमैन बुश, क्योंकि यह जर्मनी की कंपनी है, लिंक नाम लिंक हॉफमैन बुश के नाम पे, वहाँ एक वैज्ञानिक के नाम पे LHB कोच का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रोलिंग इन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू द बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी इनकमिंग ट्रेंस और आउट गोइंग ट्रेंस दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, रोलिंग इन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट ऑल ऑफ द एबव इसमें हो जाएगा, हैंगिंग पार्ट्स, स्किड व्हील, अनयूजुअल साउंड, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 100 है, इमीडिएटली ऑन अराइव्ड ऑफ एन इनकमिंग ट्रेन एट प्लेटफॉर्म टू बी डन। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी फिलिंग ऑफ एक्सल बॉक्सेस और ब्रेक टू बी रिलीज्ड एंड डेंजर बोर्ड टू बी प्रोवाइडेड। तो इस प्रकार इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। साथियों अगर आपको और भी चाहिए PDF या फिर वीडियो जो आपको डिपार्टमेंटल हो, तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका किस चीज़ का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, लाइक टेक्नीशियन और JEE या फिर और भी जो भी एग्ज़ाम हो आपका, लाइक GDC, तो हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं इसका क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा सकूँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए आपको हमारा मेंबर बनना पड़ेगा, यानी आप हमारे परिवार का सदस्य बनिए, यानी ग्लोबल ज्ञान आपका चैनल है, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 67 है, BVZC स्टैंड्स फॉर ब्रेक वैन एयर ब्रेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक वैन एयर ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी इज 2000 ± 5 mm। इसका आंसर हो जाएगा 2000 ± 5 mm। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन कैसना बोगी द लोड इज ट्रांसमिटेड टू बॉटम स्प्रिंग प्लैंक थ्रो डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्स्टर स्प्रिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल्स्टर स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन बॉक्स वैगन डैश टाइप CBC इज यूज्ड। तो AAR, इसका आंसर हो जाएगा AAR यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, UIC बोगी इज यूज्ड इन डैश वैगन्स। तो BRN वैगन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है,
व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोच, तो 160 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर है। बट साथियों इसका अगर मैक्सिमम कहीं कहीं 160 भी दिया रहे तो आपको क्लियर कर देना होगा, क्योंकि 200 है इसका मैक्सिमम, पर चलता है मैक्सिमम अभी तक चलता है 160 किलोमीटर ही। पर अगर ये आंसर 160 किलोमीटर पर घंटा टू 200 किलोमीटर पर घंटा इसका मापदंड इतना बनाया गया है ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील, तो इसका है 1600 प्लस माइनस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1600 प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर, तो इसका हो जाएगा 845। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 845। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हाउ मेनी सेक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोच, तो इसमें 18 हो जाता है, 9-9 दोनों व्हील के पास हो जाता है, तो कुल मिला के 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, तो इसका आंसर या हो जाता है, या YAW। क्वेश्चन नंबर 77 है, मस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेस, तो इसका बोथ एंड बी हो जाएगा, तो बोथ कपल शुड बी इन अलाइनमेंट, बी है बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, तो इसका बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीवा, फीवा का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, सारा फॉल्ट है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए,